दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक का एक ऐसा गांव है गोनपेंडरी, जहां सालों से होलिका दहन नहीं किया गया है। यहां के लोगों का कहना है कि करीब 30 से 35 साल पहले बुजुर्गों ने गांव में होलिका दहन नहीं करने का फैसला किया था, तब से इस गांव में होलिका दहन नहीं होता है। गांव में 36-37 साल हो गए होलिका दहन बंद हो, बहुत पुराना सियान मन के झगड़ा झंझट चलत रिसे, वो वजह से होलिका दहन बंद है। किस तरह के सब पारिवारिक वगैरह में सब काकरो चोरी झपटा लकड़ी छेना के सब चोरी चपाटी चले, वो स्थिति झगड़ा वगड़ा हो गए तो बंद है। अभी हर साल होलिका में कैसे करते हैं? अभी होलिका दहन जलाबे नहीं करे लेका मन सब। अच्छा, होली कैसे मनाते? होली होली ढंग से मनाते प्यार से। गांव के लोग बताते हैं कि होलिका दहन में गांव के दो पक्षों में काफी विवाद हुआ, जिसके बाद से ही गांव में होलिका दहन की परंपरा बंद कर दी गई है। समुदाय के बीच में जम के झगड़ा हो रही, बलवा हो रही से ओकर कोर्ट में केस वेस भी चलत रही, केस चलत चलत कतको सब बुजुर्ग मन मर भी गए और बहुत खून खराबा हो रही से, एकर वजह से होलिका दहन या होली त्योहार बिल्कुल नहीं मना जाए, बंद हो गए। होलिका दहन तो नहीं होता, लेकिन सब अपने अपने घर में होली का त्योहार शांति से मनाते हैं, यानी सामाजिक तौर पर होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। सब अपन अपन घर में त्योहार मनाते हैं, मना के होली रंग गुलाल वगैरह अपन लगाते हैं ऐसे ही, लेकिन जो पहली जैसे बाजा बजे, नगाड़ा बजे, डंडा नाचे, ये सब चीज होली जलाए, ये सब चीज मन बंद हो गए। गांव के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा 35 साल पहले बुजुर्गों ने होली का दहन नहीं करने का फैसला लिया था, जिसका पालन अभी भी किया जा रहा है। अब गांव का माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं है ना भैया, इस वजह से नहीं मनाना, और आदमी लोग उतना इंटरेस्ट अभी नहीं लेते, क्योंकि विवाह हमारे गांव में विवाद ज़्यादा हो जाता है। कुछ भी अगर अच्छा काम कराओगे तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नहीं ना कुछ नहीं कहें, क्योंकि यहाँ विवाद ज़्यादा हो स्थिति बन जाता है, विवाद की स्थिति, इस वजह से हमारे गाँव में उतना इंटरेस्ट नहीं। तो कुछ भी ऐसी अगर मान लो कुछ भी ऐसी अच्छा कार्यक्रम कराओगे तो उसमें नहीं आते आदमी लोग कुछ, और गलत काम के लिए आ जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना है ऐसा टाइप का उद्देश्य बना के। रविवार को होलिका दहन है, जिसकी जगह जगह तैयारियां चल रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण शायद इस गांव की जैसी स्थिति कई जगहों पर हो सकती है, जहां सुरक्षा को देखते हुए होलिका दहन न किया जाए या फिर होली भी सादगी से मनाई जाए। राजेश निषाद, ईटीवी भारत, दुर्ग।